वेलकम टू टाटा एआई। आज हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा टर्म प्लान समझने वाले हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे सीखेंगे कि ऐसा टर्म प्लान भी होता है जिसमें कुछ नहीं हुआ तो पैसा तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, कई गुना बढ़ के वापस मिलेगा, एज ए मैच्योरिटी फॉर्मेट में मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका पैसा ग्रो भी होगा, मार्केट में ग्रो होगा यूनिट लिंक प्लान के साथ साथ, और आप चाहें तो उसको मल्टीपल फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे विड्रॉल ऑप्शंस में, चाहे आप एटीएम ऑल टाइम मनी के फॉर्मेशन से, या तीसरा ऑप्शन एज ए मैच्योरिटी ऑप्शन से आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैच्योरिटी भी कंपनी यहाँ पर चॉइस देती है कि आपका फंड वैल्यू ज्यादा होगा आप वो यूज कर सकते हैं, या आपका इंश्योरेंस ज्यादा होगा आप वो ले सकते हैं। जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा, यानी कि फायदा आपके कस्टमर को आपको ही होना है और किसी को नहीं होना है। तो जल्दी से देखते हैं इस प्लान में क्या है। पहले थोड़ी सी टाटा की रिवाइंड कर लेते हैं। अभी ये 22 ईयर्स हो गए हैं, कल 12 तारीख थी, तो 12 तारीख को कंपनी के 22 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये पुराना पीपीटी है, तो यहाँ 21st ईयर के बदले अब 22nd ईयर कंप्लीट हो चुका है ट्रस्ट का। 22 साल से कंपनी फॉर्मेशन में है, और आप सभी को पता है कंपनी बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारी कंपनीज के अंदर काम कर रही है, टीसीएस से लेके टाटा इंडस्ट्रीज हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे नमक से लेके एयरोस्पेस की बात करें तो हर जगह टाटा अवेलेबल है। ये मैं बार बार क्यों शो करता हूँ, जिससे आपको टाटा की ब्रांड वैल्यू याद रहे, टाटा कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में काम कर रहा है, आप सभी को अच्छे से रिवाइज रहे, वर्किंग रहे, इसको आप भूले ना। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया। तो आप कंपनी के साथ साथ चल रहे हैं तो आप भी ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था जब हमने टर्म प्लान के बारे में मीटिंग करी थी, तो टर्म प्लान के अंदर होता क्या है कि आप 30 साल, 40 साल, 35 साल, 50 साल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ, कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसको हम बोलते हैं प्योर इंश्योरेंस, जिसे हम बोलेंगे लाइफ ऑप्शन। और अगर कोई लोग इस चीज को लिए मना करते हैं, उनको लगता है ये चीज़ तो बेकार है, मैं जो मैंने पैसा दिया अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरे लिए टर्म प्लान यूजफुल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लाइफ प्लस ऑप्शन हम लोग देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो पैसा दिया है अगर डेथ नहीं होती तो पैसा एज इट इज वापस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्लस ऑप्शन। ये हमने सीखा था पहले, कितने लोगों को याद है लाइफ और लाइफ प्लस ऑप्शन? 60 लाख के लिए भी ऑप्शन दिया है, 1 करोड़ के लिए भी ऑप्शन दिया है। चैट बॉक्स में यस नो कर सकते हैं, कोई बता सकता है इतना याद है कि नहीं, या इसको रिवाइज करने की जरूरत है? दांतू जी को याद है, जहां साहब को याद है, बाकियों को? एवरीबडी शुड राइट यस और नो, यस और नो। प्योर इंश्योरेंस के बारे में हमने समझा था जब हमने टर्म प्लान की क्लास ली थी, कि जिसमें प्योर इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर कुछ हुआ, कोई दुर्घटना घटी, कोई बंदा एक्सपायर हुआ तो पैसा मिल जाएगा, और कुछ नहीं हुआ उस सर्टन टाइम के अंदर तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसे बोलेंगे लाइफ ऑप्शन। एवरीबडी शुड राइट, 5-6 लोगों का कम्युनिकेशन आ रहा है, नो रिविजन। ओके, दादा को नहीं पता, अंसारी जी को नहीं पता, ओके, कोई बात नहीं। और किसको नहीं पता? शरेंद्र जी को नहीं पता है, ओके। एनीबडी, एनीबडी और फटाफट फटाफट, मेजोरिटी ऑफ पर्सन राइट नाउ, वी हैव कितने लोगों को है? हम लोग करीबन 24 लोग हैं, तो एटलीस्ट 23 रिप्लाई आने चाहिए सब लोगों के। अभी 7-8 लोगों ने रिप्लाई किया है, नो नहीं पता है, नो नो नो, 3 नो, ओके 4 नो, 5, कोई बात नहीं, फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा। जो टर्म प्लान होता है ना दोस्तों, टर्म प्लान को समझ लीजिए, आज मेरी एज है 40 साल फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 45 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, तो मेरी इंश्योरेंस की कवरेज जो होगी कितने साल तक होगी, चैटबॉक्स में कोई लिखेगा? आज मेरी 40 साल एज है, 45 साल के लिए मैंने इंश्योरेंस लिया, तो मेरी कौन सी एज तक इंश्योरेंस कवरेज होगी? 85 ईयर्स। एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? यस। अगर 85 ईयर्स तक मुझे कुछ हो जाता है, मेरी मिसहैपनिंग हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो नेचुरल कॉज हो, एक्सीडेंटल कॉज हो, या किसी भी तरह की कोई डेथ फॉर्मेशन हो, उस केस में अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सभी को ये बात समझ में आती है कि नहीं? लेकिन अगर
85 ईयर्स में क्रॉस कर जाता हूँ, मेरी मिस हैपनिंग 86, 87, 90, 95 या 100 की एज में होती है, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसे बोलते हैं प्योर इंश्योरेंस। जितने टाइम के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, अगर इन बिटवीन आप टाइम से प्रीमियम भरते रहे और कुछ भी होगा, 85 साल तक, 80 साल तक, जो भी आपने टर्म लिए, तो आपको लमसम पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? सभी को क्लियर है तो फटाफट बाय 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 टाइप कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड प्योर इंश्योरेंस। इसी में कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, अच्छा नहीं लगता उनको, ऐसा लगता है कि ये जो जीरो हो जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो पैसा मैंने दिया है वो पैसा मुझे वापस मिल जाए, तो फिर हम थोड़ा सा महंगा प्रीमियम लेते हैं। जो हमारा रेगुलर प्रीमियम 11,854 रुपये आ रहा था प्योर ऑप्शन में, वही ऑप्शन हम 23,650 रुपये लेंगे लाइफ प्लस ऑप्शन के अंदर, कि अगर कुछ नहीं हुआ तो जितना पैसा आपने दिया है वो पूरा वापस मिल जाएगा। या 12 साल की पीपीटी में 19,943 रुपये आ रहा है, तो 12 साल की पीपीटी में 27,493 रुपये लेंगे, तो हमें जितना भी पैसा दिया है, अगर डेथ नहीं होती है सर्टन टाइम तक, तो मैच्योरिटी में जो पैसा दिया है वापस मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। एवरीबडी क्लियर और नॉट? ROP, अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। ROP, लाइफ प्लस मीन्स ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन जो दिया है वो मिल जाएगा, और पहले डेथ होगी तो वो भी मिलेगा। ठीक है, आज हम ये दोनों ऑप्शन नहीं समझ रहे हैं, इससे सुपीरियर ऑप्शन समझने वाले हैं, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। नाम क्या है? रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। आज आपने जो भी पैसा दिया है, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जो दिया है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। और कुछ डेथ हो गई तो जैसे बाकी के दोनों प्लान काम कर रहे थे, पहले वाले वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो भी आपका पैसा मल्टीप्लाई होके मिलेगा, जिस प्लान का नाम है परम रक्षक 2 या परम रक्षक 3। 2 और 3 में क्या फर्क है वो मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको परम रक्षक प्लान क्या है इसके बारे में समझाना चाहूंगा। तो शॉर्ट में इसको नाम याद रख सकते हैं, ROM, रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। एवरीबडी शुड टाइप ROM, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि ये रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी वाला प्लान है, ना कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला। ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका प्रीमियम बाकी प्रीमियम से थोड़ा महंगा होगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने 35 साल की एज पकड़ी, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हमने लिया, जिसका प्रीमियम आ रहा है 90,830 रुपये, जिसकी इंश्योरेंस कवरेज रहेगी 40 साल के लिए, 40 ईयर्स के लिए। तो 35 साल की एज में प्रीमियम कितना आ रहा था 1 करोड़ के लिए, कोई चेक करके बताएगा? अगर 30 साल की टर्म है, एनीबडी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं फटाफट, या मैं अब अनम्यूट का ऑप्शन भी दे सकता हूँ, अब तो लोग स्टेबल हो गए होंगे। यस, एनीवन, कोई भी एक बंदा अपने आप को अनम्यूट कर ले, जो भी सेंसिबली इसको पढ़ सके और सबको समझ में आए। लाइफ ऑप्शन के अंदर अगर रेगुलर प्रीमियम में पे करते हैं तो कितना प्रीमियम है? 35 साल नाइनटीन की है। थाउजेंड यस, नाइनटीन थाउजेंड 517 वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट सर। लेकिन हम लोग 12 साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो 12 साल में कितना है सर? 31,600 31,659। और लेकिन यहाँ कवरेज 30 साल की है, और हम जब अभी इलस्ट्रेशन में जाएंगे परम रक्षक में, वहां पर 40 साल की टर्म है, तो मान के चलते हैं कि 10,000-12,000 प्रीमियम और ज्यादा होगा। यस और यस नो? यस तो अगर 40,000 भी राउंड फिगर पकड़ ले, तो यही प्रीमियम जब हम लोग लाइफ प्लस ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें भी 4-5 हज़ार 8 हज़ार ज्यादा होगा। यस और नो? जैसे 31,000 के बदले 45,000 आ रहा है, तो 45, 40,000 के बदले 50, 55,000 होगा, 50-55 हज़ार। यस और नो? यस बाकियों को भी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहाँ 40,000 प्रीमियम, कहाँ 55,000 प्रीमियम, और कहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 90,000 प्रीमियम। इस प्रीमियम को थोड़ा सा महंगा आपको यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि
उसके बावजूद भी लोगों को ये प्लान महंगा नहीं लगता, उसका बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर खर्चा कर रहे थे। खर्चा महंगा लगता है लोगों को या इन्वेस्टमेंट महंगी लगती है, कोई बताएगा? बात समझ पा रहे हैं अभय जी? अगर हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो हमें खर्चा कभी नहीं लगता। लेकिन जब हमारे पास खर्चे की तरह कोई पैसा दिखता है, ये जाएगा ही जाएगा, कुछ होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो उन्हें क्या लगेगा? इट इज एक्सपेंस, यस और नॉट? तो यहाँ पर एक बड़ी एडवांटेज आप सभी को मिलने वाली है। ये जो प्लान है, ये बहुत स्पेशल प्लान है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट लिंक प्लान है, ULIP, यूलिप बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। और इसके फायदे क्या है? कितने लोग म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं ज्यादातर लोग, यस और नो? जब भी आप 1 रुपया या 1 लाख रुपए उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर भी उसकी यूनिट्स मिलती हैं। हमारा पैसा यूनिट में इन्वेस्ट होता है। अगर आज एक म्यूचुअल फंड का रेट मान लीजिए 10 रुपये है और आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आपको 100 यूनिट मिलेंगी। मैं समझा पाया कि नहीं? कितने लोगों को म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनएवी के रूप में मिल जाता है। सही बोला आपने सर। ठीक है ना सर? आज अगर 10 रुपये का एनएवी है और मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को 100 यूनिट मिल जाएंगे एट द रेट 10 रुपये एनएवी। ऐसे ही होगा। बाकी सबको भी ये बात समझना शुरू करना है, अच्छे से ध्यान लगाना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आपसे ये सब चीजें बेसिक पूछेंगे। तो ऐसे ही जब भाई आप, साहब हाँ कोई बोल रहे हैं? वैसे ठीक बोल गए सर, वैसे बोल गए सर, वैसे बोल गए सर। बोल रहा हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। तो ये पहला ऐसा प्लान है जिसमें मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट भी होगा, आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और कुछ भी हुआ तो जो भी चीज ज्यादा होगी वो मिलेगी। अगर डेथ हो गया बीच में किसी भी साल में, जो हमारा टेन्योर है, प्रोडक्शन का टाइम है, उस टाइम के बीच में जो भी चीज ज्यादा होगी वो मिलेगी। अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा है तो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। अगर आपका फंड वैल्यू ज्यादा है तो आपको फंड वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ रुपए का और 40 साल के लिए लिया, 35 साल में भगवान ना करे मिस हैपनिंग हो जाती है और मेरा फंड वैल्यू 2 करोड़ पहुंचा हुआ है, तो मुझे 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 2 करोड़ रुपए मिलेगा। इज इट गुड और बैड? कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है? सर समझ में आ रहा सर। अच्छा है, बुरा है? नहीं सर। अच्छा है, ये बात समझ में आ रही है। अब बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर मैं इसमें क्यों करूं? क्योंकि यहाँ पे तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेंगे, FMC चार्जेस लगेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो उनको एक ही जवाब देना है, सिंगल जवाब। सर, ये यूलिप ही एक ऐसा ऑप्शन है, और खासकर परम रक्षक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके प्रीमियम का 100 गुना इंश्योरेंस मिल रहा है। बाकी यस सर। जितने भी यूलिप होते हैं उसमें 10 गुना, 20 गुना, 15 गुना से ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता, लेकिन ये पहला ऐसा ऑप्शन है कि प्रीमियम का 100 गुना इंश्योरेंस मिल रहा है, इसीलिए इसको लेना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा दिया है और सिर्फ एनएवी वैल्यू मिलेगा, जिस डेट को कोई मिस हैपनिंग होगा उस डेट का जो एनएवी रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस कवरेज 100 गुना मिल रहा है, तो 100 गुना के लिए हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ही जाना पड़ेगा। मैं प्योर सेविंग में ना जाके, प्योर प्रोटेक्शन में ना जाके, यूलिप के साथ प्रोटेक्शन में जाता हूँ, तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मल्टीफोल्ड भी हो रहा है, और मुझे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। इज इट यूजफुल और नॉट? कितने लोगों को मेरी बात कन्वे हो पाई, समझा पाया? प्लीज ऑन योर वीडियो, जितने लोग भी पॉसिबल है अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे तो मैं सबके साथ कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। और दिस इज द यस फर्स्ट सर। प्लान इन इंडिया कि किसी भी कंपनी के पास इस तरह का प्लान नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रहा है, फंड वैल्यू भी बढ़ रहा था। यस सर। अब इसका गारंटी देख लेते हैं, थोड़ा सा चीजें और आपको एलोबरेट कर देता हूँ। मिस्टर, जो टाटा के फंड है उनके फंड्स की रिपोर्टिंग आपको दिखा देता हूँ कि ये फंड्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जो टाटा का बेंचमार्क फंड है, जितने भी ये 15-16 फंड है, पहले सारे फंड्स 4-स्टार रेटिंग के हैं। 4-स्टार रेटिंग मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
यानी कि जो 16 फंड आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिन फंड में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3, 4, 1, 2, जिसमें भी आप करना चाहें, और वो सारे के सारे फंड 4-स्टार रेटिंग के हैं, और जो प्रीवियस रिटर्न टाटा की रही है, जो हमारा मिड कैप फंड था, फंड है उसकी 21.09% का IRR आया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 21% का IRR कम है क्या किसी को लगता है? एनीबडी? 21% का IRR, ये पावर है टाटा के फंड्स की। अलग अलग फंड्स भी, 18.96 भी है, 18.34, 14.16, 14.92। कितने लोगों को पता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उनका IRR कितना होता है? कोई बताएगा? ट्रेडिशनल प्लान में IRR कितना होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? नहीं पता किसी को? अबे जी, दांदू जी, एनीबडी, नहीं प्रताप सर, जी, नहीं सर, इसके बारे में नहीं मालूम। सर 5-6% होता है। इवन LIC की भी बात करें तो 5-6% का आपका बोनस बेस्ड प्लान होते हैं, गारंटेड प्लान्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर। लेकिन ये जो प्लान है, इसमें 18%, 15%, 21%, 14% का रिटर्न आ रहा है, तो आप समझिए कितना गुना ज्यादा आ रहा है। उससे ज्यादा है कम है? LIC से देखे तो 3%, 3 टाइम बढ़ के ऐसा, सर तीन टाइम वो चार टाइम 3-4 टाइम बढ़ने की बात नहीं करता हूँ सर, मैं IRR की बात करता हूँ। IRR में भी 3 गुना 4 गुना बढ़ता है, और इसमें अगर उसके कंपैरिजन में लगाऊंगा तो 10 गुना 20 गुना 25 गुना बढ़ता है, 50 गुना बढ़ता है, 500 गुना बढ़ता है। सर कौन सा अच्छा है, यही समझिएगा बात अच्छा को है। जो मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत मल्टीफोल्ड है सर, बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला पैसा है। ठीक है, इतना बात समझ में आता है कि नहीं सभी को? जी सर, चलिए इसमें एक और छोटी सी चीज समझा देता हूँ। जब आप ऐसा इलस्ट्रेशन निकालेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये जो 4% और 8% दिखाया जा रहा है, ये क्यों दिखाया जा रहा है? पहले तो आपको दिखाऊं ये है कहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। इलस्ट्रेशन देखिए टाटा का, और यहां पर मैं एक आपको ये देखिए, ये देख पा रहे हैं कि नहीं, सर्कल जी सर, से दिखाता हूं आपको। 4% और 8%, 8%। एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी सर, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, जब भी किसी भी कंपनी की बात करोगे, आप टाटा हो या कोई भी कंपनी हो, और यूलिप प्लान की बात करेंगे या नॉन गारंटेड प्लान की बात करेंगे, तो IRDA रूलिंग है कि IRDA रूल्स के हिसाब से 4% मिनिमम रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट में अगर कम से कम रिटर्न आया तो ये रिटर्न आएगा, और 8% इज द मैक्सिमम रिटर्न आप सिर्फ दिखा सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 8% रिटर्न आएगा तो ये रिटर्न होगा। तो ये गारंटेड नहीं होते हैं यूलिप प्लान, कभी भी ध्यान रखिएगा, मार्केट बेस्ड प्लान होते हैं। लेकिन जो इक्विटी का रूल कहता है, इक्विटी समझते हैं आप लोग, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, किसी भी फॉर्मेशन के अंदर, तो इक्विटी का एक रूल कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल की अगर आपका इन्वेस्टमेंट ट्रैक है, इन्वेस्टमेंट टाइम है, हॉरिजन है, तो आपको कभी भी इक्विटी नुकसान नहीं देती है। ये पहला फॉरमोस्ट रूल है। और दूसरा फॉरमोस्ट रूल क्या है, मिनिमम रिटर्न 10-12% आराम से आता है इक्विटी का, ये मरे से मरा रिटर्न है, कम से कम वाला रिटर्न है। और अगर रिटर्न 15%, 18%, 25% आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। क्योंकि यहां पर जो ये प्लान है वो 30 साल या 40 साल के लिए मिलता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर कोई पर्सन 40 साल तक मार्केट में रहता है तो इक्विटी के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, 10 साल से बिल्कुल ज्यादा सर, समझ ओरिजिन गया। है या नहीं? जो रिटर्न 10 से 12 साल के अंदर 10-12% आता है, तो 30 साल या 40 साल के ओरिजिन में क्या आपको नहीं लगता वो रिटर्न मल्टीफोल्ड हो सकता है? हो सकता है 20 गुना 20% आ जाए, 25% आ जाए, 50% आ जाए, आ सकता है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, आइडिया है कि नहीं? म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखे हैं क्या कभी? उसके रिटर्न्स भी ऐसे मल्टीफोल्ड जाते हैं।
और टाटा जैसे ब्रांड के अगर अभी बेंचमार्क आ रहा है, 2007 से ये फंड एक्टिव है, 2007 से ये प्लान चल रहा है और इस तरह की रिटर्न्स दिखा रहा है, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दुनिया बहुत आगे तक जाएगी, तो ये पैसा और बड़ा आपको होके दिखाएगा और बड़ी रिटर्न्स भी यहाँ पर, नए नए रिकॉर्ड्स भी जनरेट होंगे। क्लियर है? आगे देख लेते हैं, कुछ और चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहले एक बार ये क्लियर कर दूं। यस, यही सेम चीज, अगर कोई किसी की एज 30 साल है और वो 40 साल के लिए प्लान ले रहा है तो उसका प्रीमियम करीबन 70,000 रुपए के आसपास आ रहा है। जितनी कम एज होगी उतना प्रीमियम कम आएगा, जितनी ज्यादा एज होगी उतना प्रीमियम ज्यादा आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आज का रेट चार्ट नहीं है, जब आप सिस्टम में डालेंगे, ऐप में डालेंगे, तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी। कम से कम इंश्योरेंस 50 लाख का ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, इक्विटी मीन्स मार्केट में इन्वेस्ट करने को इक्विटी बोलते हैं सर। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया, 40 साल की एज पे तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उस एज पे कोई बंदा डिसाइड करेगा अपने लिए, तो जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा प्रीमियम और उतनी ज्यादा रिटर्न्स भी आएगी। अब आपको एक बेसिक, एक छोटा सा आइडिया और देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ नीचे 4% में कोई बताएगा कितना वैल्यू लिखा है, अगर 4% रिटर्न आया है, 1 करोड़ का प्लान है और आपने प्रीमियम दिया 1,28,499 रुपए, 4% रिटर्न कितनी शो कर रहा है कोई बताएगा, जो यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखा हुआ है 16,53,896। तो 8% में 79 लाख कैसे हो गया, कोई इसका जवाब देगा? जब 4% 16,53,000 रुपए है तो 8% 79 लाख कैसे हो सकता है? कोई गलती है क्या, सॉफ्टवेयर की, कोई सॉफ्टवेयर की एरर है? नो सर, ये कंपाउंडिंग है सर, ये वेरी नाइस, वेरी नाइस, किसने बोला कंपाउंडिंग, बहुत बढ़िया, परमदेव सर, रामदेव जी, बहुत शानदार सर। देखो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, जितने बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते और जवाब नहीं दे पाते, और बहुत करेक्ट आंसर दिया है आपने परम जी। जब ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट 4 से 8% में इतना जा रहा है, तो जब 8 से 12% जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो बताएगा 2 करोड़ के ऊपर जाएगा सर, कम से कम। देखो अभी यहाँ 17 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 17×6 68, करीबन 4 गुना से भी ज्यादा, 4.5 गुना के आसपास हो रहा है। अगर हम 3 गुना भी पकड़ ले तो जो 8% शो कर रहा है, 12% जाते ही ये 8×3=24, 2,40,00,000 कम से कम हो जाएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, यस और नो? और अगर ये 12 से 16 चला गया, 12% से 16% चला गया, तो कोई कैलकुलेट कर सकता है कितना जाएगा, 5 करोड़ से ज्यादा, कम से कम 2 से 3 गुना, अगर 3 गुना पकड़ेंगे तो 2.5 करोड़ का, 7.5 करोड़ सर, यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, हम 2 से 3 गुना का फॉर्मेशन पकड़ते हैं। और ये 16% की मैं कैलकुलेशन बताई है मैंने, अगर ये कैलकुलेशन 20% की चली गई तो कितना जाएगा, तो 7.5 का 3 गुना कैलकुलेट कर लीजिए, 7×21 करोड़ और 22.5 करोड़, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। कितने लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि 22.5 करोड़ भी, 23.5 करोड़ भी आ सकती है, कितने लोगों को लगता है कि 20% की रिटर्न कहाँ आ सकती है सर, कैसी बातें कर रहे हो लोग, बात करेंगे नहीं करेंगे ऐसे? सर LIC में आता है क्या इतना गुना रिटर्न? इधर LIC में नहीं है। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्लान में आपने इस तरह की रिटर्न देखी है क्या, कभी सुना है कभी इस तरह की रिटर्न आ सकती है? दांदू साहब आपने समझा क्या कुछ? आपके साथ हूँ सर, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी आपको दिखाऊंगा सर, घबराइए मत, मैं यहाँ अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन पहले मुझे आपको, लेकिन मुझे ये डाइजेस्ट करवाना है, पहले खुद को हजम होगा तो हमारे कस्टमर को हजम होगा, यस और नो? अगर हमें ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम अपने कस्टमर्स को कैसे डाइजेस्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते, नहीं करा सकते ना, नहीं करा सकते। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए
तो मैं आप सभी को पहले डाइजेस्ट करवाता हूँ, पहले ये समझाता हूँ ये ऐसी वर्किंग आएगी, इट इज करेक्ट, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है, और आप अपने कस्टमर्स को आराम से बोल के चल सकते हो 12-16% का रिटर्न कम से कम आएगा सर। सिर्फ 12% भी अगर आप बोल दोगे ना तो भी कस्टमर के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। वो 8% का जो दिखाई दे रहा है सिस्टम में, जो दिखाई दे रहा है कंपनी की कोटेशन में, जो दिखाई दे रहा है उसका 3 गुना भी पकड़ के चल लेगा ना तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है, और इतना बड़ा रिटर्न कहीं और नहीं मिलेगा। Am I correct or wrong? कितने लोगों को लगता है 3 गुना भी सफिशिएंट है 8% का? तो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए और इस तरह से यूज कीजिए। आपकी कोटेशन अलग अलग हो सकती है, मैं इसकी एक्सेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस एक्सेल को भी आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर की जो छोटे छोटे लूप होल्स है वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो समझ लीजिए ये एक्सेल क्या है। इसमें मैंने 3 वेरिएशन बताए हैं। पहला वेरिएशन बताया विड्रॉल, जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझना है। एक कस्टमर है जिसकी एज है 40 साल और 1 करोड़ का उसने टर्म प्लान ये लेना है, परामर्शक प्लान लेना है, 12 साल का पीपीटी में लेना है, यानी कि 12 साल ही पे करनी है और 13वें साल से उसका कोई पेमेंट नहीं जाएगा, इंश्योरेंस 40 साल तक रहेगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है कि नहीं, कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 40 साल की एज और 12 साल का पीपीटी है जिसका प्रीमियम 1,29,499 रुपये आ रहा है, जो मैंने अभी दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, आज की रेट में हो सकता है 1,35 आए, 1,40 आए, 1,55 आए, क्योंकि थोड़ा सा रेट रिवाइज हुआ है, थोड़ा प्रीमियम बढ़ा है। मैं प्रीमियम पे नहीं जा रहा, सिर्फ समझाने की वापस से आपको पीपीटी दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने 3 वेरिएशन इसमें डेवलप किए हैं, मार्केटिंग की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कस्टमर को कैसे समझा सकते हैं जो आज तक कोई नहीं समझाएगा। क्या करना है इसमें? पहला ऑप्शन कस्टमर को देना है सर विड्रॉल ऑप्शन। एक ऐसा आपको टर्म प्लान सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें 13वें साल से जो भी आपने पैसा दिया है डबल होके मिलेगा। आपने 12 साल पेमेंट किया, आप 13वें साल से डबल होके 28 साल तक वापस ले लीजिए, और उसके बावजूद भी कभी भी मिसहैपनिंग होगा 40 साल के अंदर तो 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, कम से कम मिलेगा सर। और अगर कुछ नहीं हुआ तब भी जो आपने पैसा दिया था 1,30,000 रुपए के हिसाब से 12 साल कितना पेमेंट किया होगा, 12 लाख, और उसके बाद करीबन 15 लाख के करीब, मोटा मोटा 15 लाख, वो 15 लाख भी आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। तो अच्छा है बुरा है सर, 15 लाख 41,000 रुपए का प्रीमियम आपने पे किया 12 साल के अंदर, और मैं आपको बोलता हूँ राउंड ऑफ 1,30,000 रुपए दिया, हम 13वें साल से आपको अगले 40 साल तक यानी कि 28 साल तक जो आपने पैसा दिया है उसका डबल करके आपको वापस करते हैं, 2,60,000 रुपए आप हर साल विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसा हम आपको करवा के देंगे। 12 साल तक दिया, 13वें साल से विड्रॉल लेना शुरू कर दिया 2,60,000 रुपए, और कब तक लेंगे? अगले 28 साल तक लेंगे। टोटल पैसे को कैलकुलेट कर लीजिए, 72,80,000 रुपए आप ले चुके जिंदा रहते रहते, और ये पूरा पैसा टैक्स फ्री आएगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, देर इज नो टैक्स। इतना ही नहीं, और 40वें साल में अगर डेथ नहीं होती है, इन 40 साल के अंदर कोई डेथ नहीं होती है, तो जो पैसा आपने दिया था वो भी एज इट इज वापस मिल जाएगा, 15.5 लाख कंपनी वापस भी कर देगी। और किसी भी स्टेज में, चाहे पहले प्रीमियम में, 5वें में, 15वें में, 25वें में, 38वें में, 28वें में, कभी भी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। कितने लोगों को ये बात अच्छी लगती है, खराब लगती है, कोई बताएगा? अच्छा है बुरा है, ऐसा कोई टर्म प्लान मिलेगा? सर बहुत बढ़िया, ऐसा प्रोविजन ही नहीं मिलेगा कहीं पे आपको, इस तरह की फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी, और इस तरह से सेलिंग भी कहीं कोई नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता, समझा सकता, हमने ये डिजाइन किया है। और ऐसा प्रोविजन है इस प्लान के अंदर, 5 साल के बाद विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी विड्रॉल कर सकता है, लेकिन हम सेफर साइड, क्योंकि हम मार्केट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए 12 साल पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसको टाइम देते हैं बड़ा होने का। जब हमने 1,30,000 करके 12 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा वो 1,30,000 वाला 15,41,000 का इन्वेस्टमेंट 12 साल में कम से कम 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख हो चुका होगा कि नहीं होगा, अगर मार्केट में वो पैसा पड़ा रहा 12 साल तक। कितना लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, यस और नो?
यस सर। अगर वो 20 लाख भी कम से कम हो गया होगा, तो अगर मैं 2,60,000 रुपए 13वें साल निकाल लूंगा तो क्या मेरा फंड नेगेटिव होगा क्या? हेलो नहीं होगा सर। नहीं सर, आराम से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? इसमें कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं है? लेकिन उसका प्रोसेस क्या हुआ सर, विड्रॉ प्रोसेस? कुछ नहीं है, विड्रॉल में आपका रिक्वेस्ट देनी है कि मुझे 2,60,000 विड्रॉ करना है बस। आप एक साल में टाटा के ऑफिस में अपने एजेंट को, मेरे को, किसी को भी और मेल डालनी है, आपका 2,60,000 विड्रॉ हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा तीसरे दिन। ये ऐसा बॉन्ड में लिख के रहता सर? सर बॉन्ड में लिखा हुआ है 5 साल के बाद कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो जितना आपको चाहिए। और ये मेरा, मुझे क्लैरिटी होना चाहिए सर, ये एफजी प्लस को, ये प्लान को देखे दिखने में एक ही रहेगा, फर्क क्या है सर? सर वो अलग है सर, उसको इस अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, ये यूनिट लिंक प्लान है, इसमें 3 वेरिएशन है। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं सर, ये जानना था जो विड्रॉल ऑप्शन है तो उसमें क्या ये लोग अपनी फंड वैल्यू भी, कस्टमर अपनी फंड वैल्यू भी चेक कर सकता है क्या? बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं आपका फंड वैल्यू कितना है, आपका यूनिट कितना है, आपका एनएवी कितना है, आपके पास फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और उसके हिसाब से निकाल भी सकता है जरूरत पड़े, निकाल भी सकता है सर। और अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 साल का प्रीमियम छोड़ दीजिए और पूरा भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका इंश्योरेंस रहेगा, तब भी आपका इंश्योरेंस पूरा 1 करोड़ का रहेगा और आपको कोई पैसा नहीं भरना। 12 साल हो गए एक बार आपके, आपको लगता है 15वें साल में 18वें साल में मेरे साथ कोई बड़ी इमरजेंसी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं फंड वैल्यू चेक करूंगा, मेरा फंड मान लीजिए 20 लाख रुपए हो रखा है 18वें साल में, तो 2 साल का प्रीमियम कितना बनता है, 2,60,000 रुपए, वो मैंने छोड़ा और पूरा 17,40,000 रुपए मैं निकाल सकता हूँ, कंपनी मेरे को मना नहीं कर सकती और मेरा इंश्योरेंस चलता रहेगा, मेरे को कुछ भी आगे पे नहीं करना और कुछ भी हुआ मेरे साथ तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ये भी एक यूनिक ऑप्शन है कि नहीं, अच्छा है बुरा है? बिल्कुल यूनिक है सर, बहुत बड़ा यूनिक है सर। और ये किसी भी साल में, ऐसा नहीं है कि 18वें में, आप 25वें में कर लो, 35वें में कर लो, 28वें में कर लो, 38वें साल में कर लो, फंड वैल्यू पूरी निकाल लो 2 साल का प्रीमियम छोड़ के, तो अब भी आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये पहला मैंने वर्जन आपको दिया, इसी में दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। सर जैसे कस्टमर को पोर्टफोलियो मिलेंगे ये चेक करने के लिए, उनका वैल्यू क्या है अमाउंट का? बोलिए सर बोलिए। कस्टमर को पोर्टफोलियो मिल जाएंगे क्या, वो अपना अमाउंट चेक कर सकता है या कितना है? मतलब सर उसके लिए कस्टमर को मेल डालना होगा, कॉल करना होगा कस्टमर सपोर्ट पे, अपना पॉलिसी नंबर बताना होगा, तो वो सिर्फ उसी को बताएंगे कि आपका फंड वैल्यू ये है, आपका एनएवी ये है और आज की डेट में इतना पैसा हो गया आपका, आप इतना निकाल सकते, इतना विड्रॉल कर सकते, वो आपको डिसाइड करना है सर, आपको कितना डिसाइड करना है, कितना निकालना है, वो आपको नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक, इट्स योर विश, योर चॉइस, क्लियर है? ये पीपीटी 12 साल में 3 साल भरने के बाद में कुछ मुश्किल होते हैं और फंड प्रीमियम नहीं बना सकते तो कुछ होगा? सर ये यूली प्लान है, इसमें जितने साल का पीपीटी आप रखेंगे उतने साल का तो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं भरते हैं तो सब सारी पॉलिसीज के अंदर पेड अप वैल्यू का ऑप्शन आता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कंपनी को कि सर मैंने 5 साल ही भरा प्रीमियम और आगे मेरे को नहीं भरना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, आगे का प्रीमियम आपका वेव अप कर देगी और पॉलिसी को पेड अप कर देगी, 12 साल में उसको कैलकुलेट कर लेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2 साल कर दिया गया है, 2 साल के बाद ही पेड अप हो सकती है? 2 साल के बाद, मैंने तो एग्जांपल 5 साल का दिया कि प्रीमियम 5 साल भरा। अच्छा। लेकिन आप 2 साल के बाद कभी भी पेड अप करा सकते हैं, मिनिमम 2 साल पेमेंट करना मैंडेटरी है, इससे पहले पेड अप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ आपको, दैट इज प्रेजेंटेशन 2, वही प्लान है, सब कुछ वही है, यहाँ पर भी सेम वही चीज है, 40 साल की एज, 12 साल का पीपीटी और 1 करोड़ का इंश्योरेंस। यहाँ हम मैच्योरिटी ऑप्शन पे बात करते हैं कि जहाँ हम बोलते हैं सर आपने बीच में पैसा नहीं निकाला, 12 साल पेमेंट दिया और अगले 40 साल तक जो हमारा 40 साल का टर्म है वहां तक एज इट इज रहने दिया, तो एज पर आईआरडी इलस्ट्रेशन
जो 4% का रिटर्न आ रहा है 16,53,000 रुपए वो मिलेगा कम से कम जो आईआरडी बोलती है, और 8% के हिसाब से 79 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं जो एज पर प्रीवियस ट्रैक आ रहा है 21% 19% का, अगर ये रिटर्न 12% की आ गई तो ये पैसा आपका कम से कम 2,37,00,000 रुपए हो जाएगा, करीबन 3 गुना। इसको हम 3 गुना ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि 4 से 8% जब हुआ था तो 4.79 times, 4.5 गुना से भी ज्यादा अमाउंट में हुआ। और अगर यही रिटर्न आपकी 16% आ गई तो ये पैसा 4,75,00,000, मैंने सिर्फ डबल ही किया, 3 गुना भी नहीं किया। अगर 3 गुना कर लूंगा तो करीबन 7,00,00,000-7.5 करोड़ तक जाएगा। और यही रिटर्न अगर 20% पे चली गई तो आप मान के चलिए 10 करोड़ से ऊपर की फिगर कम से कम जाएगी। और हमारी लास्ट आईआरआर 19% की गई है, जो अपने आप में मार्केबल है। इतने लोगों को ये फील अप्रोच करती है कि मैं बीच में क्यों निकालूं जब मेरा पैसा इतने करोड़ ऐसे ही हो जाएगा। तो कई बार लोगों को बीच में निकालना पसंद नहीं होता, इकट्ठा पैसा चाहिए, यस और नो? अगर 12% भी लोगों को मिलता है तो 2.25-2.5 करोड़ रुपए कम होता है क्या 15 लाख रुपए लगा के? बहुत होता है सर। कोई भी कंपनी का प्लान 15 लाख रुपए लगा के 2.5 करोड़ करके देता है क्या किसी भी कंपनी का? मैं किसी कंपनी का नो सर, ये बड़ा स्पेशल प्लान है सर अपना ही। ठीक है, इस स्पेशल प्लान को स्पेशल की तरह ट्रीट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑप्शन। इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसा पड़ा है पड़े रहने दो और अपनी मैच्योरिटी चेक करते रहो। आप जब मर्जी अपना फंड वैल्यू देखते रहो और आपका फंड किस तरह से ग्रो हो रहा है। पर इवन आप ये भी कर सकते हो कि अभी मार्केट क्रैश हो रही है, आपको पता है मार्केट और नीचे जाने वाली है, तो अपने फंड्स को सिक्योर फंड में लगा सकते हो। आप स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में अथॉरिटी रहती है 1 साल में 5 बार। यू कैन स्विच योर फंड। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अंटिल अनलेस जरूरत नहीं है तो म्यूट करके रखें। ये सेकंड ऑप्शन सभी को समझ में आया कि नहीं? अगर आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो अपने फंड्स को अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। एक फंड से कभी भी दूसरे फंड में डाल सकते हैं, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से पांचवे में, जिसमें भी आप सेफ रखना चाहें सेफ कर सकते हैं, ताकि मार्केट डिप होने पे आपका पैसा नीचे ना जाए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में डालें सेकंड ऑप्शन क्लियर, सेकंड क्लियर। ये जो स्विच करने का ऑप्शन है, इन्हें 12 साल के बाद मिलेगा कि 12 साल से पहले भी स्विच कर सकते हैं? सर पहले साल से मिल जाता है सर, आप कभी भी करिए सर, हर साल मिलता है, 4-5 बार कर सकते हैं आप, 1 साल में 5 बार स्विच कर सकते हैं फ्री, इट्स नॉट चार्जेबल। ये पॉलिसी में पूरा फ्रीडम है सर, फुल फ्रीडम है सर, पूरा बिंदास मजा है सर। एक बार आपने ये प्लान किसी को समझा दिया तो इसके बाद वो कोई भी प्लान देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा सर। नहीं सर, ये तो सर बहुत रॉकेट फायर प्लान है सर। हाँ सर, ये प्लान ही है सर, समझा दिया, पैसा भी अपने हाथ में है, सब कंट्रोल अपने हाथ में है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी प्लान में नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं होगी सर, नहीं मिलती है सर, इसीलिए भी ये प्लान बहुत बिकता है, बस हमें बेचना आना चाहिए। तीसरा जो सबसे फेवरेट है, जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, विच इज कॉल्ड, जिसका नाम मैंने दिया है ऑल टाइम मनी ATM प्लान। जब आपको पैसा चाहिए तब आप निकाल लीजिए, ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इस तरह की वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चों को माइंड सेट करके पॉलिसी लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेविंग भी करना चाहते हैं, और हमारे एक ही प्लान से मल्टीपल पर्पज सॉल्व हो जाए, तो इससे बढ़िया कुछ और लग ही नहीं सकता। उसको नाम दिया है ऑल टाइम मनी ATM प्लान। कैसे? आज आपने 12 साल तक प्रीमियम पे किया, आज मान लीजिए 2 ईयर प्रीमियम, दो जो मैंने शुरू में बताया था, 2 साल का प्रीमियम छोड़ के आप कभी भी 40 साल के अंदर निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस 40 साल तक चलेगा, आपसे कोई कंपनी फर्दर पैसा नहीं मांगेगी। ये पहला यूनिक सेलिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आज मान लीजिए बच्चा छोटा है आपका, आज बच्चा 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 महीने का है, जब वो बच्चा 18 साल का होगा तब उसकी एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए। 12 साल पेमेंट किया, 6 साल के बाद जब वो 18 साल का होगा तो आपको 5 लाख रुपए चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हैं इसमें से। जब उस बच्चे की हायर एजुकेशन होगी, आपको लगता है 21 साल की एज में मुझे पैसा चाहिए, 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं इसमें से। आपको लगता है जब वो शादी उसकी 25 साल में होगी तो मुझे उसके मैरिज के लिए पैसा चाहिए होगा, इसमें से 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं सर। जब आपको लगता है मुझे मकान के लिए कुछ
या आपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग कर दी है, 3500 साल में पैसा चाहिए तो 50 लाख रुपए रिटायरमेंट पर निकाल लीजिए सर। इतना ही नहीं, 40वें साल में भी आपको वापस कुछ ना कुछ बैलेंस फंड मिलेगा, विच इज कॉल्ड 25 से 50 लाख रुपए फिर भी मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, इज इट गुड और बैड? क्या ये फॉर्मेशन लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं? अभी हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया तो लोग मेरे से क्या पूछते हैं, सर पॉलिसी लेते वक्त हमें कहाँ लिखना होगा सर, कि मैं विड्रॉल ऑप्शन में जाऊं, मैच्योरिटी ऑप्शन में जाऊं या एटीएम प्लान में? ये पूछते हैं मेरे से। कई लोग ब्रांच गए हैं, टाटा की ब्रांच में गए हैं और हमें ये तीनों ऑप्शन वाला प्लान चाहिए, विड्रॉल प्लान, एटीएम प्लान और मैच्योरिटी प्लान। वो कहते हैं ऐसा कोई प्लान नहीं आता। वो बोलते हैं ऐसा कोई प्लान नहीं आता, कहाँ देखा है आपने? कहते सर हमने यूट्यूब में देखा है, वो एजेंटों को समझा रहे थे और हमें तो यही लेना है। बात समझ में आई? क्या टाटा के प्लान में कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको इस प्लान में कि विड्रॉल ऑप्शन है, मैच्योरिटी ऑप्शन है या एटीएम प्लान है? दैट इज मार्केटिंग, दैट इज आवर क्रिएटिविटी। ऐसा आप ले सकते हैं, कंपनी मना नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कोई आपको प्री डिसाइड नहीं करना कि आपको लेना कौन सा है। आपको जब जो लेना हो आप वैसा लीजिएगा सर, आपके लिए तीनों ऑप्शन खुले। हम बोल सकते हैं कि नहीं, जब आपका जो मन करे जैसा मन करे आप वैसा लीजिएगा। ये और भी अच्छा होगा कि नहीं होगा कि पहले प्री डिसाइड नहीं करना? जी शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मेरा पीवी पार्टनर का कोड है मेरे पास, टाटा का मेरे यहाँ फिरोजाबाद में ऑफिस है, अगर टाटा की कोई मैं पॉलिसी सेल करता हूँ तो उसकी सर्विस तो टाटा यहीं से दे देगी ना ऑफिस से? सर सब जगह देती है सर टाटा के अंदर ना, ये बहुत बड़ी खासियत है। आप पॉलिसी कहीं से भी बेचे, चाहे मेंटप्रो से बेचे, टाटा के कोड से बेचे या पॉलिसी बाजार से बेचे, टाटा की ऑल ब्रांचेस एट पार है सर। इवन आप क्लेम भी कहीं से भी ले सकते हैं, आप सर्विस छोड़ो क्लेम भी कहीं से ले सकते हैं। अभी हमारे कस्टमर जो हमारे कस्टमर नहीं थे वो पटना रहते हैं, उन्होंने हमारे थ्रू क्लेम डॉक्यूमेंट्स भेजे, वहाँ लोकल ब्रांच में जमा नहीं कराए जबकि वहीं की ब्रांच थी उनकी, उन्हें हमारे साथ ट्रस्ट था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था और हमने अपनी जनकपुरी ब्रांच में डॉक्यूमेंट जमा कराए और उनका 12 दिन के अंदर क्लेम सेटल कराया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टाटा। अच्छा है बुरा है सर? नहीं बिल्कुल अच्छा है सर, बहुत अच्छा। किसी और कंपनी में इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सर, और एक सिंगल टाइम में पेपर सबमिट हुए, उसके बाद दोबारा कोई क्वेरी नहीं थी फर्दर एक ही बारे में। तो कितने लोगों को ये प्लान में कुछ हैपनिंग चीजें लगी, कुछ अच्छा लगा, कुछ बेचने लायक लगा, बड़ा बेच सकते हैं, समझा सकते हैं? टर्म प्लान देना है तो उसको तीसरा ऑप्शन भी देना है, एक बार सिखाना है समझाना है, तो एक बार तीसरा समझा दिया तो क्या वो खर्चे वाले ऑप्शन में जाएगा? आखिर में आप बोला ना सर तो सर्विस साइड से, वो तो बहुत बढ़िया चीज है, ये पावर है सर टाटा की। ये एक्सपायर ब्रांचेस काम करता है, आप वहां से कोई करेक्शन कराना चाहें किसी भी तरह की, एड्रेस की, नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, किसी भी तरह के नॉमिनी की, किसी भी ब्रांच से करवा सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, आपको ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं है, जो कस्टमर का मेल आईडी है ना वो मोर देन सफिशियंट है, उसका जो मोबाइल नंबर है विच इज़ मोर देन सफिशियंट, वहीं अपने बैठे बैठे मोबाइल से मेल डाले, मैसेज करे, फ़ोन करे, वहां से सारा सॉल्यूशन मिलता है, नो नीड ऑफ एनी एजेंट। ये भी पावर है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट टाटा का बहुत सुपीरियर है, वेरी वेरी सुपीरियर। वो जब तक आपको फॉलो करता रहेगा जब तक आपका वो चीजें क्लियर नहीं होगी, आपकी क्वेरीज डाली आपने उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब तक वो सामने से आपको फोन करके पूछेंगे अपडेट मिला कि नहीं मिला सर, आपको कोई और फर्दर क्वेरी है, कुछ और कंसर्न है तो प्लीज बताएं, वी कैन हेल्प यू। यहाँ कस्टमर को फॉलो नहीं करना पड़ता, कंपनी उनके साथ फॉलो करती है कि आपका काम हो रहा है सर, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन लगेगा लेकिन हो जाएगा सर, प्लीज डोंट वर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट? कितने लोगों को प्लान में मजा आया, यूजफुल लगा? लगा बहुत मजा आया सर, कस्टमर ढूंढना है सर, कस्टमर नहीं ढूंढना, टर्म प्लान वालों को ढूंढना है, बहुत सिंपल है, टर्म प्लान बेचना है उनको यही देना है, बस इतना सा करना है। क्या सर टर्म प्लान लेने की बात कर रहे हो, टर्म प्लान का बाप आ गया हमारे पास, रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, आपने सुना है कभी ऐसा प्लान? यस अभय जी थैंक यू सो मच, सभी को समझ में आया कि नहीं? आपके कुछ डाउट्स भी थे सर, उस डाउट्स को भी मैं ले लेता हूँ अगर आप बोलें तो। जल्दी से मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको जो आपको सरप्राइज कर देगी, फटाफट से एक चीज दिखाता हूँ। जितने भी लोग इस प्लान को बेचेंगे एक ही चीज का सिर्फ ध्यान रखना है,
इसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। अगर आप प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा बेचते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान आएगा कि यूलिप प्लान में जब भी कोई 2.5 लाख प्लस की प्रीमियम बेचते हैं तो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। जो ये मनी बैक विड्रॉल आप कर रहे हैं ये टैक्सेबल हो जाएगा, और जो लास्ट में पैसा मिलने वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बीच बीच में विड्रॉल करेंगे वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर प्रीमियम 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आ गया, किसी की हायर एज पे है, 55 साल, 52 साल, 58 साल, 60 साल की एज में पॉलिसी का वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होगा? प्रीमियम महंगे आएंगे, बड़े आएंगे, तो फिर वो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। इसका बहुत ध्यान रखना। और फॉरमोस्ट चीज, अगर ऐसा कुछ लगे कि कस्टमर को दे सकता है, कैपेबल है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए उसके फैमिली मेंबर में। फिर किसी का प्रीमियम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख बन रहा है तो उसको उसका भी दीजिए, उसकी वाइफ का भी दीजिए, उसके बच्चों का भी दीजिए, और कन्वर्ट करके सबका इन्वेस्टमेंट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? एक और वर्किंग टिप लोग आपके लिए करते हैं। किसी को भी मीटिंग करानी हो इस प्लान के लिए, चाहे वो प्लान 50,000 के लिए हो, 1 लाख के लिए हो, 5 लाख के लिए हो, 2 लाख के लिए हो, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। किसी को भी जूम मीटिंग करानी है 1-to-1 कस्टमर के साथ, तो मैं आपके साथ, आपके कस्टमर के साथ 1-to-1 रहूंगा। और अभी हम एक ऑफ वर्किंग कर रहे हैं कि एवरी सैटरडे फुल डे आपके लिए सुबह 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, हम कस्टमर मीट करेंगे। आपके कोई भी कस्टमर हैं, आप सैटरडे का एडवांस में मेरे साथ टाइम सेट कर लीजिए, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, जिसमें आपके कस्टमर को कोई भी प्लान समझाना है, लेकिन उस प्लान की वर्थ होनी चाहिए, लेने वाला कस्टमर होना चाहिए। एक से ज़्यादा कस्टमर भी होंगे तो चलेगा, लेकिन एक ही तरह के माइंडसेट के कस्टमर होने चाहिए कि 4 कस्टमर हैं और चारों को परम रक्षक प्लान लेना है, आई कैन। 10 लोग हैं, 10 लोगों को परम रक्षक लेना है, आई कैन। 50 लोग हैं, 50 लोगों को परम रक्षक ही लेना है, आई कैन, मैं समझा दूंगा। लेकिन किसी को परम रक्षक लेना है, किसी को FG प्लस लेना है, किसी को VIP लेना है, किसी को ग्रिप लेना है, तो उसके लिए अलग अलग मीटिंग होगी, उसका इंटरेस्ट अलग अलग जाना चाहिए। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट गुड और बैड? अगर एवरी सैटरडे आप लोग अपने एक एक दो दो कस्टमर्स मेरे साथ कनेक्ट करवा देते हैं तो क्या आपको लगता है मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, समझा पाऊंगा कि नहीं? बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कोई डर वर तो नहीं लगता कहीं मैं किसी से नंबर पूछ लूंगा, हाँ जी सर बता दो, छोड़ो हाँ भाई लेके क्या करोगे सर, मेरे से ले लो, I'm sorry सर, मैं शॉर्ट बिजनेस में नहीं हूँ, बिल्कुल भी शॉर्ट बिजनेस में नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एवरी सैटरडे। बस आपको एडवांस में फ्राइडे तक मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 10 कस्टमर से आपकी सैटरडे मीटिंग करा रहा हूँ। तो हो सकता है एवरीबडी, इवन और अदर वर्किंग डेज में भी अगर आप मेरे से एडवांस प्लानिंग करके इस 8 से 9 को बैच को छोड़ के किसी भी अदर टाइम में अगर आपके कस्टमर से मीटिंग करनी है तो आई कैन, इवन NRI कस्टमर से मीटिंग करनी है तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। जिसके पास भी NRI बकेट है, NRI सर्कल है लोगों का, उनके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, चाहे FG प्लस बेचना हो, ग्रिप बेचना हो, या ये स्पेशल प्लान बेचना हो, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और उसके लिए हम लोग जी बोलिए, 1 करोड़ के लिए मिनिमम ITR कितना हुआ सर? सिंपल है सर, ये तो पूछा ही नहीं ना किसी ने, जो काम की चीज है वो तो पूछी ही नहीं किसी ने भी। आप प्लान किसी को भी देना है तो ऐसा तो सबको मिलेगा नहीं, इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया है, बिजनेस क्लास है कोई तो 5 लाख प्लस का ITR होना चाहिए, और सैलरीड है तो 4 लाख तक की उसकी इनकम होनी चाहिए, 3 लाख प्लस की उसकी इनकम होनी चाहिए, 3.5 लाख, 4 लाख की अगर उसकी इनकम है सैलरीड में तो 50 लाख तक दे सकते हैं, और अगर किसी की इनकम 5 लाख प्लस है तो आराम से हम 1 करोड़ दे सकते हैं 35 साल, 45 साल तक, 40 साल तक के लिए। उसका एक मल्टीपल का फार्मूला है, वो मैं आपको फार्मूला शेयर कर दूंगा, एज के अकॉर्डिंग आप इनकम को मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th इज मैंडेटरी, 12th से कम नहीं दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन होगा तो ज़्यादा आराम से केस निकलेगा। अगर ग्रेजुएशन नहीं है, बिजनेस क्लास है, तो 10 लाख प्लस का ITR मैंडेटरी है, 10 लाख से कम पे 1 करोड़ का नहीं मिलेगा।
ध्यान रखिएगा। एक साल का कि दो साल का आईटीआर सर? सर लेटेस्ट आईटीआर पे कंपनी काम कर रही है, वैसे तो 3 साल की मांगती है, लेकिन 3 साल में अगर लेटेस्ट वाली भी आपकी ज्यादा है तो हाईएस्ट को कंपनी कंसिडर कर लेगी, एवरेज नहीं निकालेगी। ओके। और मेडिकल भी है सर इसमें? 45 साल तक कोई मेडिकल नहीं है, बिना मेडिकल निकल जाएगा सर, अंटिल अनलेस कस्टमर सामने से ना बोले कि मुझे दिक्कत है, मैं बीपी लेता हूँ, शुगर है, या मुझे स्मोक करता हूँ, तो बिना उसके भी निकल जाएगा। ओके ओके जी, ये स्टॉर्म प्लान है क्या, एक्सीडेंटल कवर है या सब कुछ कवर होगा? सर ये ना, वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको मेन चीज, तो क्योंकि मुझे लगा मुझे प्लान एक्सप्लेन करना चाहिए, मैंने प्लान के फीचर्स एक्सप्लेन नहीं किए, आई एम सॉरी। अगर आप लोग पहली बार इसको जुड़े हैं, देखिए यहाँ पर इनबिल्ट है, यहाँ लिखा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर 1 करोड़ रुपए का आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो 90 लाख रुपए का ATPD इसमें इनबिल्ट है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 90 लाख भी मिलेगा, 1 करोड़ 90 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो ये 90 लाख मिलेगा, फिर डेथ हो जाती है 1 करोड़ भी मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट होता है, डेथ नहीं होती, तो 90 लाख यहाँ मिल जाएगा। उसके कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 90 लाख फिर मिल जाएंगे और 1 करोड़ भी मिल जाएगा। और अगर ये एक्सीडेंटल डेथ पब्लिक कन्वेंस के थ्रू होती है, पब्लिक कन्वेंस में आपके कैब में ट्रक आपका बसेस में, जो पब्लिक कन्वेंस की बसेस होती हैं, या किसी ट्रेन में या एरोप्लेन में, तो ये एक्सीडेंटल बेनिफिट डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना टोटल इंश्योरेंस कवर 3 गुना मिलेगा। 90 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है, 1 90 लाख और मिल जाएगा, 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा, और डेथ हो गई है तो लाइफ कवर 1 करोड़ जो था वो भी मिलेगा। तो अपने आप में जो राइडर है उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आई होप मैं समझा पाया एक्सीडेंटल डेथ को। सर ये नेचर डिजास्टर अगर डेथ होता है तो मिलेगा सर इसमें टर्म? मिलेगा सर, मिलेगा, वो भी एक्सीडेंट में ही काउंट होगा। नहीं, बस बहुत सारे टर्म, बहुत सारे कंपनी का टर्म प्लान में नेचर डिजास्टर कवर नहीं करते हैं सर। सर सब में कवर करते हैं, जब से वो मूवी आई थी ना, वो जो ओ माय गॉड, यस एक्ट ऑफ गॉड, तो लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गया। आप किसी भी प्लान के अंदर एक्ट ऑफ गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, सभी प्लान के अंदर एक्ट ऑफ गॉड एज ए एक्सीडेंट इज एप्लीकेबल। ओके सर, तो ठीक है ना, अवेयरनेस होने के बाद पता होना चाहिए ये सब चीजें कंपलसरी हैं, तो कवर होगा ही होगा। मैं आपको एक चीज और बता रहा था, मैंने इसमें आपके लिए एक और वर्किंग किया था कि मैं आपको एक ऐसी वर्किंग दिखा पाऊं जिसमें कि ये कैलकुलेशन किस लेवल तक जाती है, यहाँ से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितने लोगों को मेरी ये एक्सेल नजर आ रही है? आ रही है सर। यहाँ पर एक फिगर दिखी है, पहला कॉलम है 40 साल की एज, फिर टर्म लिखा है, फिर PPT लिखा है, फिर प्रीमियम लिखा है, उसके बाद इन्वेस्टेड प्रीमियम लिखा है, और उसके बाद सम इंश्योर्ड लिखा है। ये सभी को नजर आ रहा है कि नहीं? ये स्क्रीन बड़ी करूं, देख पा रहे हैं थोड़ी और? मैंने बड़ी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मजा है, ये 1,28,000 रुपये आप 4 साल 12 साल तक दे रहे हैं, तो जब आपकी एज 51 साल की हो जाएगी, आपकी एज 7 साल चल रही है, आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, ये वो वाला पैसा है जो लाइफ वाले प्रोटेक्शन के अंदर जो प्रीमियम आपने पे किया, जिसमें राइडर का प्रीमियम ऐड नहीं है और GST ऐड नहीं है, वो तीनों चीज हटा के 1,11,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया, 12 साल तक इन्वेस्ट किया। इंश्योरेंस कितना है? 1 करोड़ रुपए का। ये नीचे 40 साल तक मैंने टेबल बना रखी है, 1 करोड़ तक इंश्योरेंस यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने कैलकुलेशन फैलाई है, 8% अगर रिटर्न आया तो कितना होगा, 10% रिटर्न आया तो कितना होगा, 12% रिटर्न आया कितना होगा, और 15% रिटर्न आया तो ये पैसा कितना होगा, और विड्रॉल फॉर्मेशन में जाएंगे तो कैसे कैसे आपका पैसा जाएगा, और अगर ATM ऑप्शन में जाएंगे तो कैसे कैसे आपका पैसा जाएगा। तो पहले आपको मैच्योरिटी ऑप्शन दिखाता हूँ, 8% के हिसाब से जो वहाँ पर दिख रहा था कितना था, 79 लाख रुपीस, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगता है 10% के आसपास का फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है, जो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये फिगर थोड़ी ज़्यादा दिखेंगी, तो आपने ध्यान देने के लिए, समझाने के लिए आपको बनाया गया, ये एक्सेल फॉर्मेशन में है, तो 8% के हिसाब से जो पैसा आ रहा है वो 1,97,00,000 रुपये बन रहा है, एक्चुअली ये बन रहा है।
लेकिन वहां 79 लाख रुपए भी दिखाए हुए तो कम नहीं है, 80 लाख रुपए भी कम नहीं है। और अगर यही रिटर्न 10% की आ गई, सिर्फ 2% ही बढ़ाया, तो 1,97,00,000 के बदले 3,78,00,000 हो जाएगा। और यही रिटर्न अगर 12% की आ गई तो 7,31,00,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर यही रिटर्न 15% की आ गई तो ये फिगर 18,65,00,000 रुपए होगी। देख पा रहे कि नहीं, सभी को क्लियर हो पा रहा है? यस सर। उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं तब भी कम नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये प्योरली म्यूचुअल फंड बेस पे है। यहाँ पर इंश्योरेंस के चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसलिए रिटर्न थोड़ी सी ज्यादा दिखती है। अब यहाँ देखते हैं विड्रॉल ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2,60,000 रुपए निकालते हैं, अगर ये 8% का ही रिटर्न चल रहा है तो ये पैसा 13वें साल में आप देख पा रहे हैं 24,72,000 रुपए नजर आ रहा है। 2,60,000 रुपए निकालने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पे? किसी भी साल में अगर 2,60,000 नीचे 40 साल तक निकलेंगे तो 73 लाख रुपए निकाले तो 1,97,00,000 के अगेंस्ट 72 लाख रुपए निकल गए तो कोई फर्क पड़ेगा? 3,78,00,000 के अगेंस्ट 72 लाख निकले कोई फर्क पड़ेगा? 7,21,00,000 के अगेंस्ट 72 निकले कोई फर्क पड़ेगा? या 18,65,00,000 वाली रिटर्न रही तो उसमें 72 लाख रुपए निकले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। यही सेम फॉर्मेशन जब हमने ऑल टाइम मनी, जब लोग पूछेंगे कि अगर मैं बीच में ऐसा पैसा निकालूंगा तो कहीं मेरा फंड माइनस में तो नहीं हो जाएगा, मेरी पॉलिसी बंद तो नहीं हो जाएगी, तो आप यहाँ देखिए हमने कौन सी एज जो बोला 18वें साल में वो पैसा निकाल रहा है मान लो 5 लाख रुपए, तो 18वें साल में पैसा कितना था? 8% रिटर्न में भी 36 लाख रुपए, 10% रिटर्न में 46 लाख रुपए, और 12% रिटर्न में 60 लाख रुपए, और 15% रिटर्न में 86 लाख रुपए। क्या 5 लाख रुपए निकालने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कम से कम 8% की भी बात करते हैं तो। फिर 21वें साल में 10 लाख रुपए निकाला, जहाँ 45 लाख रुपए की फिगर हो रखी है, 5 पहले निकल गया, 10 ये है तो 15 लाख भी निकल जाएंगे, तो भी 45 में से 15 निकल गए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर हम बोल रहे हैं 25वें साल में शादी करेंगे, 20 लाख रुपए, 62 लाख रुपए हुए, उसमें से 35 लाख रुपए निकल गए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके बाद हम बोल रहे हैं 35वें साल में 50 लाख रुपए, 1,34,00,000 रुपए हो रखा है, इसमें से अगर 85 लाख रुपए निकल भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और एट लास्ट 40वें साल में वो फिर 25 लाख निकाल लेता है 1,97,00,000 में से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई होप तीनों फॉर्मेशन से निकलने के बावजूद भी कहीं नेगेटिव हो रहे हैं क्या? इस तरह की एक्सेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आपके कस्टमर के लिए ये एक्सेल भी मैं आपको बना के दे दूंगा। कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो उसके बावजूद भी वो इससे डिनाई नहीं करेगा कि मार्केट के रिटर्न ये आ सकती है। इट इज वेरी वेरी क्लियर, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के देख लेंगे तो ये रिटर्न्स आपको ऐसे ही मिलेंगी, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सर ये रेगुलर विड्रॉल थोड़ा एक बार दिखाइए ना सर, समझ थोड़ा सा नहीं समझ पाए। अभी तो समझाया है सर परम जी, ध्यान से देखो विड्रॉल ऑप्शन ये जो, हाँ ये जो 2,60,000 जो निकाल रहे सर, तो ये केवल इतना ही मिलेगा या और इसके बाद जो बचेगा तो कुछ और मिलेगा? इसके बाद भी तो मिल रहा है ना सर, 28 लाख रुपए मिल रहा है ना सर। अच्छा ये नीचे 28 लाख रुपए, अच्छा ठीक है, उसके बाद भी ये मिल रहा है, नुकसान कहीं भी नहीं है सर, किसी भी लेवल पे नुकसान नहीं है, ना ऑल टाइम मनी में, ना मैच्योरिटी में, और ना ही विड्रॉल में। कस्टमर की जैसे तसल्ली हो ना उसको वैसे करना है। सर इसमें एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। इसमें जो प्रीमियम जो अमाउंट ले रहे हैं नेट अमाउंट 1,10,000, 1,11,000 कुछ ले रहे हैं, तो इसमें सर मोर्टेलिटी चार्जेस माइनस नहीं होगा? उस माइनस करके इसको लिया गया है सर जो 1,00,000 नहीं सर, 1,11,000 जो है टेक्निकली हमें क्या करना होता है, जो हमारा नेट प्रीमियम इन्वेस्ट हो रहा है हमें उसको डबल करना चाहिए तो सेफर रहता है। जब हम विड्रॉल के लिए किसी को गाइड करें कि सर ये जो 1,10,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो रहा है आप 2,20,000 रुपये निकालिए, सेफर साइड, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस 1,10,000 रुपये के अंदर भी आपका मोर्टेलिटी FMC चार्जेस और मोर्टेलिटी चार्जेस दोनों माइनस होगा, 8-10% के हिसाब से माइनस होता है। 10-12% देख रहा था मैं सर। हाँ सर बिल्कुल है, ये पहले साल से लेके 10 साल तक रहेगा, लेकिन 11वें साल से जो भी पैसा आपका निकला है डबल होके कंपनी उसमें ऐड कर देती है। अगर आपका पहले साल में मान लीजिए 35,000 रुपये निकला है, 8,000 रुपये निकला है या 10,000 रुपये निकला है, फॉर एग्जांपल अगर 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और 10% निकाला है तो 10,000 रुपये निकला है आपका,
तो 11वें साल में कंपनी 20,000 रुपए उसमें ऐड कर देती है, दूसरे साल में आपका फिर वो 10,000-11,000 रुपए निकला है तो फिर 20,000-22,000 रुपए आपके ऐड कर देती है। ये इसमें राइटिंग में लिखा हुआ है, जो भी आपका एफएमसी चार्जेस आपका 10 साल तक कंपनी लेगी आपसे, 11वें साल से डबल करके आपके फंड में ऐड कर देती है। एक इलस्ट्रेशन मैंने भेजा था सर आपको, उसमें मैं देख रहा था जैसे वो खाली कटने का दिखा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं वो ऐड कर रहा है 10 साल के बाद, वो उसमें कहीं शो करता है क्या सर? वो इटैलिक से मैंने निकाला था सर। सर वो इटैलिक में एक खतरनाक चीज है कि उसमें ना आपका कमीशन भी दिखाई देता है सर, मतलब कमीशन। हाँ देखा मैंने साइड में लास्ट, तो वो हम उसको शेयर नहीं कर सकते या वहां से हटा के नहीं, मतलब मैं अपने समझने के लिए मैं आपसे पूछ रहा था सर। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दिखा, लेकिन क्या हो रहा है सर, मैं अगर वो माइनस कर रहे हैं उसमें मोर्टेलिटी चार्ज माइनस कर रहे हैं, उसमें आपका एफएमसी चार्जेस माइनस कर रहे हैं, तो 12 साल के बाद उसका जो फंड का वैल्यू है ना, जैसे 7,00,000 जमा हुआ है तो 7,00,000 भी नहीं फंड का वैल्यू बता रहा है 12 साल के बाद। मैं दिखाता हूँ सर आप, जो कंपनी का इलस्ट्रेशन है ना, अगर वो निकाल लेंगे तो शायद आप मैं पूछ सकता हूँ उसमें, अगर मैंने भेजा था सर वो अगर निकाल सकते हैं क्या? वही निकाल रहा हूँ सर, वही निकाल। हाँ वही निकाल दीजिए, क्योंकि कल कोई पूछ सकता है ना, मैं इसलिए जान के उसको शेयर नहीं किया, मैं वो बोलेगा कि अरे 12 साल मैंने जमा किया 1,00,000 रुपया और अभी देखो फंड का वैल्यू करीब 7,00,000 भी नहीं हो रहा है 12 साल के बाद, तो बंदा को बोलेगा कि फिर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, मतलब कहने का मतलब कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ 12 साल तक, उसके बाद आगे के साल में अगर वो छोड़ेगा तो उसको बेनिफिट ज़्यादा है। ये 4% और 8% की आपको शीट दिखा रहा है जो आईटी से निकलता है। अच्छा इसमें दो चीज दिखा रहा है, एक पार्ट वन और एक पार्ट बी, तो पार्ट वन और पार्ट बी से क्या मतलब है सर? वो भी दिखाता हूँ सर आप, पहले तो 43,000 आ रहा था उसके एज के हिसाब से मैं देख रहा था, उसमें राइडर्स नहीं लिया है इसने, केवल मेन राइडर्स को नहीं लेते सर, राइडर्स को नहीं, राइडर्स नहीं लिया है सर। 4% और 8% की वर्किंग दिखाते हैं बेसिकली, इसमें दिखा रहा है कैसे कैसे आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ 43,000 के हिसाब से। अब देखिए 43,000 फंड वैल्यू 4,73,000 4% के हिसाब से दिखा रहा है। हाँ ये 4% के हिसाब से भी तो दिखा रहा है, अब ये भी तो देखिए। हाँ ठीक है 8 भी ले लेते हैं तो भी देखिए सर कोई ज्यादा, 6,17,000 बता रहा है जो कि फंड वैल्यू को भी नहीं मैच कर रहा है, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया बंदे ने। तो वो सरेंडर वैल्यू है सर, सरेंडर वैल्यू फंड एट द एंड ऑफ ईयर सर, एक क्वेश्चन में देखिए 6,17,000 और हाँ इसका जमा हो रहा करीब करीब 7,00,000 12 साल में, और ये हो गया 12,48,000 4,80,000 तो जमा हुआ सर। अच्छा ठीक है इसमें वो माइनस नहीं, वो सही बोला आपने, वो राइडर्स को नहीं लिया है, राइडर्स को काउंट ही नहीं करेगा ना सर वो। हम तो 2,00,000 का है बेनिफिट उसमें ऊपर और। हाँ ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है 6,69,000 और यहाँ दिखा रहा है 26,92,000। तो आप इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, जो आपने इससे पहले कोटेशन निकाला होगा तो 4% और 8% आपको यहाँ मैच कर रहा होगा, 4% में 6,69,000 वो मैच कर रहा है सर, वो मैच कर रहा है 26,92,000 दिख रहा है। तो उसका रीजन यही है सर, इसमें दो मेन चार्जेस होते हैं, एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो इसमें 10% के हिसाब से लग रहे हैं और एक होता है इंश्योरेंस का पार्ट। ये तो हर साल लग रहा है सर, देखिए सर हर साल ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में लग रहा है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है अदर चार्जेस के अंदर ये चार्जेस लग रहे हैं कि कितने कितने चार्जेस, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा कि आपके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, मोर्टेलिटी चार्ज भी बढ़ता जा रहा है सर। हाँ सर ये जो चार्जेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपका वो एड होने वाला ऑप्शन दिखता नहीं है, लेकिन इसके जो वो है पॉलिसी वर्डिंग है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जितना कंपनी ये चार्ज कर रही है उतना डबल करके इसमें ऐड भी कर रही है, यहाँ पर शो नहीं होता है, लेकिन ये दिक्कत है इसीलिए हम इस इलस्ट्रेशन को नहीं दिखा पाते। अगर ये दिखाएंगे तो कस्टमर फंस जाएंगे, कस्टमर बोलेगा नहीं ये जो आप बोल रहे हो वो दिख नहीं रहा है, वो होना दिखना भी चाहिए कि वो दस हाँ, वो जी नहीं हो रहा था सर। और एक पार्ट बी देखिए सर, नीचे पार्ट बी आई क्या बता रहा सर, देखिए पार्ट भी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा सर, कहाँ पे आप बोल रहे हैं? नीचे मतलब जहाँ पार्ट वन खत्म हो रहा है ना उसको थोड़ा और पार्ट एक के बाद आई पार्ट भी नीचे आ रहा है। ओके ठीक, क्या बोल रहा है ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, इसी बोलते हैं इसको,
एनुलाइज प्रीमियम हो गया, ये मोर्टेलिटी चार्जेस हो गए जो हर साल चलेंगे, जीएसटी हो गया, पॉलिसी एडमिन चार्जेस हो गए, ये चार्जेस लगेंगे। ओके, फंड वैल्यू 32,000 बता रहा है सर, ये आ गया ना सर एडिशन, देखा एडिशन टू द फंड क्या है सर, 10,385 रुपए ऐड हो रहे हैं सर ये पॉलिसी में। कहां पे सर? इसी में कॉलम में देखो सर, जहां आपने देखा पॉलिसी एडमिन चार्ज दिख रहा है जीएसटी के बाद, पॉलिसी एडमिन चार्ज है सर, उसके बाद गारंटी चार्ज, गारंटी फिर राइडर चार्ज है ने, उसके बाद एडिशन थ्रू द फंड जो मैं आपको बोल रहा था 10वें साल से कम नहीं डबल करके डाल रही है सर, 10,000 डाल लीजिए, 5,192 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए 2, 5,000 का 10,000 हो गया सीधा सीधा, यस सर, फिर नीचे 2596 था तब भी 16,000, आप ये दोनों चार्जेस को ऐड कर लीजिए 2596 और 5837 करीबन 8,000 रुपए करीब हुआ, तो 16,000 रुपए ऐड कर दिया आपके, तीसरे साल में फिर 16,000, ये सारे पैसे डबल हो रहे हैं सर आपके पैसे, ये देखो ये हर साल कंपनी ऐड कर रही है, यानी कि जो आपसे ले भी रही है ना तब भी कोई नुकसान नहीं सर, मॉर्टेलिटी चार्जेस के नाम से जो पैसे आपके जा रहे हैं 13वें साल से, उसके बावजूद भी उतने ही पैसे करीबन आपके वापस आ रहे हैं, जो ले रहे हैं वही कंपनी वापस ऐड कर रही है, उससे ज्यादा ही ऐड कर रही है, कम ऐड नहीं कर रही, तो कोई नुकसान है क्या मॉर्टेलिटी चार्जेस लेने में? नहीं नहीं सर। और फंड बिफोर एफएमसी बता रहा सर ये? सर फंड बिफोर एफएमसी का मतलब होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस से पहले का कितना फंड है, अगर चार्जेस नहीं लगेंगे तो उसका ये रिटर्न रहेगा 32,894 रुपए, और एफएमसी चार्जेस है सिर्फ 419 रुपए, और फंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो एफएमसी के साथ में ही कितना होगा, और आईआरडी गाइडलाइंस है कि उसमें एफएमसी के चार्जेस अलग से मेंशन करने पड़ते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग किया हुआ है फंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसलिए वो मेंशन किया हुआ है सर, इसमें कहीं भी कोई ये वाली अगर शीट हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन सारी शीट नहीं दिखा सकते सर, सब दिखाने में आएंगे तो हमें प्रॉब्लम बढ़ेगा सर। इधर किधर के कमीशन आप बोल रहे हैं सर, इसमें 15,144 ही दिखा रहा है, देखिए सर लास्ट में आप बता रहे कमीशन, ये रहा सर ये वाला चार्ट, कमीशन पेबल टू द इंटरमीडिएटरी यहाँ लिखा हुआ होता है, जहाँ पार्ट ए लिखा है उसी के अंदर एक कॉलम बना हुआ है लास्ट में, कमीशन आपको कितना कितना कमीशन जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले प्रीमियम के अंदर 43,000 रुपए का जो प्रीमियम है उससे 15,000 रुपए कमीशन जाएगा आपको, तो किसी कस्टमर को ना ये देते हुए अच्छा नहीं लगेगा सर, आपको फिर कट हटाना पड़ेगा ये वाला पेज, एक मिनट ये वाला, अब 15,000 दिखा रहा है वो ना सर, वही 15,144 ना, वही वही सर, तो ये वाली रजिस्ट्रेशन भी चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये बहुत अनसेफ है, उसे प्रॉब्लम बढ़ेगी आपके लिए। जी बोलिए, क्योंकि किसी के हाथ में सर ऐसी चीजें जाए कि हमारा कमीशन कितना जा रहा है वो सही नहीं है सर, टेक्निकली इसको तो हम लोग को बता के हटा देना चाहिए सर बता के हटा देना चाहिए ये क्यों जाना चाहिए, क्यों क्योंकि वो तो इलास्ट्रेशन बोलते हैं ऐसे भेजने के लिए, हाँ तो ये नहीं भेज सकते हम कस्टमर को। चलिए तो आई होप सभी को चीजें क्लियर रही होंगी, तो जी सर सभी से रिक्वेस्ट है सर, वही सिंपल बेसिक फॉर्मूला कि अगर इस पे हम लोग काम करें एक दो दिन चार दिन के अंदर दिमाग में डाल लें और लोगों तक फ्लोट करना शुरू कर दें। चलिए बाय फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।